अच्छा, पिछले व्लॉग्स में मैं आपको दिखा रही थी कि हम घर देखने जा रहे हैं और फाइनली ये देखें, हमें घर मिल गया है, कीज़ हमारे पास है। अभी हम वो घर देखने जा रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कैसा है, हमने क्यों लिया है, सब आपको दिखाऊंगी, लेकिन पहले हम वहाँ पे ज़रा पहुँच गए। सिर्फ आप लोग देखते मतलब हमारे, आप देखें कि पाकिस्तान में ऐसा होता है कि संडेज पे आपको बाज़ारों में हर तरफ काफ़ी रश नज़र आता है। आज हमारा संडे और देखें यहाँ पे आपको कोई भी शॉप जो है वो ओपन नज़र नहीं आएगी, सब कुछ बंद होता है संडे को यहाँ पे, और लोग भी घरों में ही ज़्यादातर होते हैं और रोड्स भी आपको खाली खाली नज़र आते हैं। अच्छा, हम जो घर देखने जा रहे हैं, मतलब आज तो आप कहें कि हमें मिल गया है, ये इसकी चाबी हमारे पास है, दूसरी दफ़ा, हाँ दूसरी दफ़ा, तो वो अब इसी एरिया में है और काफ़ी प्यारी लोकेशन है इसकी। और अच्छा, यहाँ पे ना घर मिलना कोई आसान बात नहीं होती, जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि यहाँ पे घर जब आप रेंट पे लेते हो ना तो काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी पेपर वर्क होता है, उसके बाद जाके आपको ना घर मिलता है। ये बिल्डिंग बहुत प्यारी है इसलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आजकल जैसे दरख्त काफ़ी आए हुए हैं। और ये है जी जगह, ये देखिए यहाँ पे पोर्ट है छोटा सा, और यूनिवर्सिटी है सामने, म्यूज़ियम है, सब कुछ यहाँ पे साथ है। और ये वाला स्टॉप होगा उस घर का, ठीक है, यहाँ पे बस आके रुकेगी और हम गाड़ी में, तो हम यहाँ आगे से रूट लेंगे, अगर पैदल जाओ तो आप यहाँ से ये यहाँ पे पाथ बना हुआ है वहाँ से जाते हो। ओके, हाँ कुछ भी नहीं। अच्छा, ये स्टार्ट हो गया है एरिया, और यहाँ पे राइट साइड पे जो है वो फ़िश मार्केट है, और यहाँ से फ्रेश फ़िश मिलती है, आप आके फ्रेश फ़िश सुबह सुबह ले सकते हो। और लेफ़्ट साइड पे जो हमारे सिटी के सबसे फेमस रेस्टोरेंट है ना, आप कहें कि वो बना हुआ है पानी के ऊपर, और वो लेफ़्ट साइड पे है। अब ये हम दाखिल हो चुके हैं यहाँ पर और हम घर पहुँचने वाले हैं, और आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि घर कैसा है। सकते काफ़ी पुरसकून इलाका है, पार्किंग की खुली सहूलत मौजूद है, सामने जो है ना वो आपका स्कूल भी है, यहाँ पे सामने एरिया भी फिलहाल खाली है, लेकिन कुछ अरसे बाद कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो जाएगी। अच्छा, रेड क्रॉस वाले भी इधर ही हैं। अच्छा, ये एंट्रेंस है, ठीक है, लेटर बॉक्स, यहाँ पे गैराज वगैरह होंगे, और ये जो है एक ऐसे बॉक्स है, पता नहीं इसका क्या मकसद होगा, कोई चीज़ रखने के लिए, मुझे नहीं पता। ये स्टेयर्स हैं, यहाँ से ऊपर चलते हैं, तो लाइट नहीं है, हाँ लाइट है, बोला और लाइट ऑन हो गई। अच्छा अच्छा, इस घर में ना नई नई कंस्ट्रक्शन हुई है, तो काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो आपको नज़र आ रही होंगी पड़ी हुई। अच्छा, ये घर की एंट्रेंस है, और जब भी आप एंटर हो ना तो राइट साइड पे यहाँ पे, मैं भी आपके साथ ही देख रही हूँ इसलिए पहले भी नहीं देख। अच्छा, ज़बरदस्त, ये है बाथरूम, और ये अच्छा काफ़ी बड़ा मिरर भी है, बाथ देखा जाए तो अच्छा खासा बड़ा है, और ये है जी दूश आगे, ज़बरदस्त। अच्छा, ये बिल्कुल नया है, फर्स्ट टाइम जो है उन्हीं के यूज़ में आएगा जिनके लिए ये घर है, ठीक है। और ये चलें जी बाद से बाहर निकलते हैं, ये हम राइट साइड पे गए थे, और लेफ्ट साइड पे ये क्या है। अच्छा, लेफ्ट साइड पे अब ये कमरों का सीन शुरू हो रहा है, ठीक, यहाँ पे आए तो हैंगिंग के लिए आपके चीज़ें हैं, और ये क्या है। अच्छा, ये वाओ देखिए, माशाल्लाह अच्छा खासा बड़ा कमरा है यहाँ पे, और नीचे ये देखिए ऐसा है फ्लोर वुडन, और खिड़कियाँ कितनी बड़ी हैं माशाल्लाह से, खिड़कियाँ अच्छी खासी बड़ी हैं, और काफ़ी ज़्यादा ना रूम काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है रूम। ये है जी व्यू बाहर का, दो बड़ी बड़ी यहाँ पे खिड़कीज़ हैं, खिड़कीज़। अच्छा, रूम काफ़ी बड़ा है, रूम का साइज़ बहुत बड़ा है, मतलब नॉर्मली यहाँ पर इतने बड़े रूम्स होते नहीं। एक रूम ये है यहाँ से, अब मुझे नहीं पता कि आप तो ये टीवी रूम हो, लेकिन अभी मैं जाके देखती हूँ फिर बताती हूँ। और यहाँ पे अच्छा ये लाइट है, हाँ अच्छा एक रूम ये है। अच्छा, रूम देखो कितने मज़े के हैं, है ना, अच्छा लग रहा है।
आगे क्यों नहीं बोल रहा? अच्छा आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ ये आहिस्ता एक हो दो गई। रूम्स हो गए, अब हम जब इधर आते हैं। अच्छा ज़बरदस्त, ये है ड्राइंग डाइनिंग, ये भी अच्छा खासा बड़ा है और खिड़कियाँ आप देखें कितना ज़्यादा, ये आप कहें कि लाइट वाला है, लाइट बहुत ज़्यादा अच्छी है इधर। और अच्छा ये है वो सारा, और पुरसुकून भी काफ़ी है, मतलब शोर वोर ऐसा चलते कोई हैं सीन नहीं सबसे है। अब इम्पोर्टेंट हम जगह चलते हैं में। और किचन में, माशाल्लाह वाह से माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी बेहतरीन है। सबसे पहले आप इसका व्यू देख लें, ये है जी किचन, और ये है जी। अच्छा यहाँ पे मशीन्स वगैरह फिट होंगी, ठीक है, यहाँ पे मशीन जो है वो ड्रायर जो भी आपने मशीन करनी है, और इसके अलावा आप यहाँ पे जो आपके अप्लाइंसेस है ना वो भी रख लेते हो। ये हो गया, और मस्त देखिए ठीक है, ये बंद क्यों है? अच्छा इसके वाह पीछे मशीनरी वाह वगैरह है। अच्छा यहाँ पे ये देखिए, ये खिड़कियाँ हैं, और किचन अच्छा खासा माशाल्लाह से बड़ा है, और ये बंद ही है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये सारा यहाँ पे डाइनिंग टेबल अलग से भी आ सकता है, और ये फ्रिज है, ठीक है, ऊपर आप अलग से रख सकते हो, फ्रीजर भी इसी के अंदर इंस्टॉल्ड है। और फ्रिज भी बिल्कुल नया है, ठीक है, मतलब ये आप ऐसी चीज़ नहीं होती कि पहली दफ़ा आप ही यूज़ कर रहे हो, ये वो सीन है। ये देख लें, ये हुड वगैरह, ये माइक्रोवेव भी, सॉरी ओवन भी है, ये स्मोक अलार्म, हाँ चलता है, क्यों नहीं चलता। ये कबर्ड्स हटो, बंद करो। हाँ थैंक यू ओनी, दिखाओ। हाँ ये अंडर सिंक ज़बरदस्त। अच्छा किचन में भी ये दो बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं, खिड़कियाँ बोलते हैं भाई, रोशनी बोलते हैं इस घर के अंदर, पुरसुकून सा माहौल है, घुटन ज़्यादा घर नहीं है, बहुत ही अच्छा माशाल्लाह से बहुत अच्छा मिल गया। अच्छा हमारे घर से जो इस घर में डिस्टेंस है वो तकरीबन 13-14 मिनट का है, गाड़ी पे बस पे जाओ तो ज़्यादा जल्दी पहुँच जाते हैं। अच्छा वहाँ से फ्री होने के बाद हम आ चुके हैं रेस्टोरेंट में, जहाँ पे हमने पी मैंगो लस्सी, और दोबारा अब हम जाएंगे घर, और इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी ये घर हमने क्यों लिया है, किसके लिए लिया है, आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर करूँगी। और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, और हमारी तरफ ना मौसम अब ज़रा बेहतर होता जा रहा है। अब ये है कि सर्दी का जो जोर था वो टूट चुका है, ठंड कभी कभी हो जाती है लेकिन उतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती कि बहुत ज़्यादा आपको ठंड लगे, और मौसम अब आप कहें कि गर्मी वाला आ रहा है। तो गार्डन आपने देखा होगा लास्ट व्लॉग में, ये वाला ज़रा क्लीन किया था, फ्रंट वाले में अच्छा खासा जो है ना वो घास फूस हो चुका था, तो मेरे हस्बैंड आज घर पे थे तो उन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई, वो यहाँ पे ये उन्होंने फ्रंट वाला भी सारा साफ़ कर दिया, और मैं यहाँ पे बैठी चाय पी रही थी। ये बहुत दिनों की बात थी, एक सुबह की बात है, शायद जब आप ये मेरा व्लॉग देखेंगे तो उसी दिन की सुबह की बात है। आई होप आपको मेरा बताया हुआ जो पीछे घर मैंने आपको दिखाया, इस सारे के बारे में ना मैं अगले व्लॉग्स में आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी कि वो हमने घर किसके लिए लिया है, सब आपको बताऊँगी इंशाल्लाह। तो आज का मेरा व्लॉग इतना ही था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपनी दुआओं में रखिएगा याद मुझे, मेरी फैमिली, और स्पेशली मेरे अब्बू की मगफरत के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।